गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा ये व्लॉग। की बोल छो तुम्हें, की बोल छो बोलो। बोलो आमी नाम बोलो। अच्छा की बोल छो तुम्हें, बोलो बोलो। सो टुडे इज अनुषा'स विजिटिंग डे और बहुत दिन हो चुके हैं डॉक्टर को इसे दिखाए हुए, तो आज मैं लेके जाऊंगी। और सुबह सुबह जो भी मेरा काम है वो कंप्लीट करके अभी घर के लिए मैं फूल लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गले का साउंड सुन के आपको पता चल रहा होगा शायद। अनुषा को भी है, अनुषा को भी बुखार है और इसी वजह से हम लोग डॉक्टर को विज़िट करने के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है, ऐसे मुझे डाउट है कि अनुषा को पेट में शायद कीड़ा भी हुआ है, उसी वजह से मुझे लेके जाना है। तो अभी बस बाकी है अनुषा को नहलाना, उसे लंच करवाना, उसके बाद हम सब मिलके लंच करेंगे, फिर रेडी होंगे बिकॉज 5 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो इससे पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है। सो अनुषा को जो डॉक्टर मैं दिखाती हूँ, इस एरिया का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है, इसलिए काफ़ी क्राउड होते हैं वहाँ पर और वहाँ का अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं पूजा दे रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी जल्दी आज काम कंप्लीट करना है। अनुषा को मैंने नहला दिया है, फिलहाल वो अभी वेट कर रही है लंच करने की। मैं पूजा देने के बाद उसके उसका जो लंच है वो मैं तैयार करूँगी। सो जिस नर्सिंग होम में मैं दिखाती हूँ ट्यूलिप में, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना इतना मुश्किल हो जाता है इस डॉक्टर का पर्टिकुलर। आपको 10 बजे तक नाम अपना वहाँ पे देना पड़ता है, लेकिन आज 10 से 10:05 हो गया था, इसलिए इतना सारा लोग वहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके थे। नॉर्मली 1 या 2 में हो जाते हैं। आज मुझे जो सीट मिला है वो 13 का है, 13 नंबर में मेरा नाम है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए 5 बज जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं पूजा अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। नॉर्मली मैं कभी भी उनका अपॉइंटमेंट जब मैं लेती हूँ तब सैटरडे में लेती हूँ, उस टाइम मुझे थोड़ा कम काम रहता है, लेकिन थर्सडे में काफ़ी ज़्यादा पूजा का भी बहुत कुछ होता है, बहुत टाइम लगता है पूजा देने में, सब कुछ साफ़ करना पड़ता है और घर का भी काम रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे में लूँ। लेकिन आज मुझे बहुत क्यूरियोसिटी था कि क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अनुषा के, में मुझे लग रहा है कि पेट में कुछ कीड़ा है, उसका पेट दर्द कर रहा है कभी कभार और वो कभी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही है और बुखार भी है और मुझे भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे से हुआ है, मुझे लगता है कि उसको पहले हुआ तो उसके बाद मुझे हुआ है और इसी वजह से मुझे उसको दिखाना है। काफ़ी दिन हो चुके हैं उनको नहीं दिखाते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, अभी भगवान जी को बस प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद मैं अनुषा को तैयार करूँगी, मैं लंच करूँगी। तो आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिएगा। तो मेरी पूजा के साथ साथ यहाँ पे अनुषा भी मुझे हेल्प कर रही है आलपूना बनाने में, बिकॉज हर थर्सडे में मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला है अभी तक। कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत लगा दूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी मुझे रेडी भी होना है। तो मुझे आधा हेल्प अनुषा भी कर रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अनुषा को मैंने अभी तैयार करने की शुरू की है और मैं भी लंच कर चुकी हूँ। फिलहाल काफ़ी लेट है हमारा नाम वहाँ पे 13 नंबर में, तो इसी वजह से हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं और अनुषा अभी तक नहीं सोई है। सुबह जब से उठी है अभी तक वो नॉर्मली सो जाती है बहुत जल्दी दोपहर में लंच करने के बाद, अभी तक वो नहीं सोई है, क्योंकि मैंने मेरे मदर इन लॉ को कहा था हम तीनों जा रहे हैं वहाँ पर, बहुत वो शैतानी करेगी, इसलिए उसे अभी मत सुलाओ। वहाँ पर जाके अगर वो सो जाती है तो अच्छी बात है, बिकॉज हमारा काफ़ी लेट नाम है। तो अभी भी आप देख सकते हो उसके फेस देख के मुझे पता चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा नींद आया है।
सो अनुषा के जो भी कपड़े हैं वो धीरे धीरे छोटे पड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत सारे मैं कपड़े ऑलरेडी मैं खरीद चुकी हूँ जो आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये जो हुडी तो नहीं कह सकती, इसको कुछ अलग ही बनाया है, स्वेटर है, बहुत क्यूट बनाया था मेरी माँ ने, अनुषा की नानी ने, और अभी तक वो बहुत अच्छी तरीके से पहन पा रही है। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर भी वो पहन पाएगी। हाथ थोड़ा सा छोटा पड़ गया है लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद है, और ये जब भी अनुषा पहनती है मुझे जैसे कि जैसे लगती है कि वो डॉल है। कपड़ा इतना मुलायम और इतना फ्लफी है, देखने में बहुत अच्छा लगता था। और जब वो छोटी थे, एक साल पहले थी, उसका हाइट के हिसाब से ये काफ़ी लंबा था, अभी तो ये छोटा पड़ गया, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक भी वो पहन पाएगी। बिकॉज़ इसका जो लेंथ है ये ज़रूर छोटा हो गया है लेकिन जो साइज़ है वो परफेक्ट है, अभी भी वो काफ़ी दिन तक पहन पाएगी। और इसका जो हुड है पीछे वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से अनुषा को अभी भी आती है। तो फिलहाल अनुषा को मैं रेडी कर रही हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी। अभी तक मैं अपनी बाल नहीं बनाई और दूसरे रूम पे अनुषा की जो दादी है वो तैयार हो रही है। अभी बजे 4:30 ऑलरेडी यहाँ पे बज चुके थे, लेकिन मैंने वहाँ पे नर्सिंग होम में मैंने कॉल किया था तो ऑलमोस्ट अभी डॉक्टर आए हुए 10 या 15 मिनट ही हो गए हैं। ये फ़िलहाल एक ही जो फर्स्ट विज़िट करने के लिए गए वही एंटर हुए हैं, हमारा काफ़ी लेट है तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे बिकॉज़ मुझे पता है वो काफ़ी टाइम लेते हैं विज़िट जब करवाते जाते हो तो काफ़ी देर तक देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जब जा रहे थे जाते हुए रास्ते पे अनुषा रिक्शे पे सो गई थी। सो मैंने अनुषा की जो दादी है उनको कहा अभी उसे सोने दीजिए बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोग हो गए, जिसको देख के अनुषा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी और बहुत कुछ मांगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इनके साथ खेलना है, दौड़ेगी भागेगी ऐसा कुछ करेगी, इसलिए उसे छोड़ दीजिए अभी, वो थोड़ा देर रेस्ट कर ले, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के वहाँ पर ज़रूर जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो उठ जाए तो ठीक है, अभी फ़िलहाल वो सो ले तो वही अच्छा है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी बज रहे हैं 6:00, ऑलरेडी 1 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पे आए हुए और अनुषा 15 मिनट पहले ही उठ चुकी है। अभी ऑलमोस्ट 7 नंबर चल रहा है। सो ऑलमोस्ट हमारा जो नंबर आया तब बज रहा था 6:30 और डॉक्टर को हमने दिखा दिया है। डॉक्टर ने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो पेट में कीड़ा होता है वो हर एक बच्चे के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चॉकलेट खिलाने के लिए ऐसा कुछ होता है, नहीं, आप आराम से ये दवाई खिलाइए, उसके बाद आप आराम से कुछ भी खिला सकते हैं, और बुखार के लिए भी कुछ दवाई दिए हैं। फिर घर पे आने के बाद हम लोग सब रेडी होकर थोड़ा बाहर निकले थे बिकॉज ऑलरेडी हम लोग रेडी थे, तो मैंने कहा चलिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं बिकॉज आज शाम में कुछ ज़्यादा काम नहीं था घर पर। और ये जो मेरी मम्मी ने शू दिया था आज ही मैंने पहना है नया, तो अनुषा के साथ और अनुषा की दादी के साथ मैं फ़िलहाल निकल रही हूँ बाहर के लिए, और बहुत कंफर्टेबल है और बहुत दिनों बाद मैं पहन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत गर्म है, और बाहर रास्ते पे बहुत ज़्यादा ठंड भी था तो मैंने कहा कि यही पहन के चलती हूँ। सो मैं अब क्लियर कर लूँ, हम लोग जा रहे हैं अनुषा के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने बिकॉज अनुषा के काफ़ी सारे जो ऊपर के टॉप है वो छोटे हो चुके हैं और अनुषा को अभी फिट नहीं आ रहे हैं, और फुल स्लीव्स जो भी टॉप है वो भी काफ़ी छोटे हो चुके हैं, अभी 1 या 2 ही है और बाकी तो अनुषा बहुत ही ख़राब कर चुके हैं। चॉकलेट वगैरह कुछ खाना खाने के बाद वो हमेशा गंदा कर देती है और ऑलरेडी पहनते पहनते वो ख़राब भी हो चुके हैं। उसके लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं जा रही हूँ बिकॉज़ आज फ्री थी, तो अनुषा को घर पर आने के बाद कुछ खिलाया और जो दवाई डॉक्टर ने दिया था वो दवाई खिलाने के बाद हम लोग थोड़ा निकले हैं बाहर घूमने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए। अगर पॉसिबल हुआ तब वहीं पर ही दिखाएंगे, नहीं तो घर पे आके ज़रूर दिखाएंगे क्या क्या हमने लिया है। सो वहाँ से मैंने अनुषा के लिए कुछ
सॉक्स खरीदा और कुछ ऊपर का जो टॉप है वो खरीदा, बॉडी वार्मर खरीदा, ये कुछ खरीदा। मैं घर पे जाके ज़रूर दिखाऊंगी। और वहाँ पे ज़्यादा क्राउड था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई। और अनुषा तो जैसे कि बाहर जाने के बाद उसे कुछ हो जाता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो घर पे आने के बाद सभी का रिक्वेस्ट है कि आज आलू का पराठा बनाया जाए, तो वही मैं तैयार कर रही हूँ। और हमेशा बॉयल आलू तो घर पे रहता ही है, तो सभी लोग बोल रहा था कि आप आलू के पराठे बना दीजिए, हम लोग रात को खाएंगे। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम था कि मैदा नहीं था, तो मैंने कहा कि चलिए अगर खाना ही है तो आटे का बना लेते हैं। ऐसे आटे का खाना बहुत हेल्दी होता है। अभी मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि अगर कुछ भी खाओ आटे का बना के खाओ। हाँ, कलर में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्थ के लिए आटा बहुत अच्छी माने जाते हैं। और अनुषा को मैं हमेशा अगर आलू का पराठा बोलो या कुछ भी पैनकेक बना के दूँ, मैं आटे का ही बना के देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं मैदा यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है अनुषा को मैदा देना। और यहाँ पे आज मैदा नहीं था तो मैं आटे का ही बना रही हूँ, और सभी को बहुत पसंद आया है। रात को मैंने बनाया था। और यहाँ पे जब मैं शादी करके आई थी, मुझे पता चला कि मेरी जो सास है वो आलू के पराठे ऐसे बनाते हैं, बॉयल आलू बना लेते हैं पहले और आटे के साथ ही वो मिक्स कर देते हैं। मुझे पता नहीं कैसे बनाते थे, लेकिन आटे और मसाले के साथ आटे को बहुत अच्छी तरीके से आलू को मिला के फिर उसको अच्छी तरीके से शेप दे के उसके बाद तलते थे। ऐसा नहीं कि अंदर स्टफिंग डाल के जैसे बनाते हैं हम लोग नॉर्मली, वैसे नहीं बनाते हैं। और मुझे वो देखना है, मैं अभी तक नहीं देखी हूँ कैसे बनाए हैं। और हमेशा मैं जब भी यहाँ पे पराठे वगैरह बनाती हूँ तब सभी लोग कहते हैं कि वाओ तुम कैसे बना लेती हो, हम लोग तो जब भी बनाते हैं फट जाता है, यहाँ से वहाँ से आधा चीज़ निकल जाता है। तो मुझे तो पता नहीं कैसे बनाते थे, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिलहाल ये कुकिंग व्लॉग तो नहीं है। और आज रात का जो डिनर है ये देख सकते हैं, सैलड था, आलू की सब्जी थी, आलू के पराठे भी थे और मिठाई। तो ये सब खाना खाने के बाद अनुषा के लिए ये भी ब्लैंकेट मैंने बाहर से लिया था, जो फ़िलहाल अभी वो सो रही है, बिकॉज़ अनुषा के जो भी ब्लैंकेट है वो छोटे हो चुके हैं। ये भी ब्लैंकेट भी आज लिया है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30। आज का ब्लॉग बस इतना तक ही, कल मैं दिखाऊंगी आज क्या क्या ख़रीदा है अनुषा के लिए। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।